और कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सुनने को आई है। महिला सुरक्षा से वंचित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा महिला को सुरक्षा नहीं तो उनके फिर अधिकारों का ये हनन है। गुरुवार तक सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोलकाता रेप कांड में दे, हम नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कुछ बड़ी सरकार को, बंगाल पुलिस को और साथ ही साथ जो आज जैसे ही इस मामले की सुनवाई प्रारंभ हुई, सबसे पहले कोर्ट ने इस मामले पर डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर जो कोर्ट है आज वो काफी चिंता जाहिर की। और इस मामले पर सबसे पहले बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों की सुरक्षा का फैसला है और बेहद महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ साथ कोर्ट ने याचिकाओंकर्ताओं से कहा कि इस मामले में मदद जो है वो किया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि जिस तरह से ये मामला सामने देखने को मिला है, लोगों के का जो गुस्सा है जिस तरह से अड़का है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है। और आखिर इस मामले पर जो राज्य सरकार, जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो आज पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। और जिस तरह से इस मामले पर उन्होंने, कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट को बताया कि जिस तरह से FIR दर्ज करने की बात अगर जो आ रही है, इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा तत्काल FIR रजिस्टर किया गया, इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि कोर्ट ने जब पूछा कि क्या हत्या का मामला दर्ज किया गया था सही वक्त पे, तो इस मामले में भी कपिल सिब्बल जवाब देते हुए नजर आए। और याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि ये नेचुरल मौत का मामला दर्ज जिस तरह से शुरुआत में किया गया था, शुरुआत में बोला गया था कि ये नेचुरल डेथ है, ये हत्या और दुष्कर्म जैसा मामला नहीं है, तो इस मामले को भी कोर्ट के सामने संज्ञान में लाया गया। और जिस तरह से कोर्ट ने आज इस मामले पे भी सवाल किया कि परिजन को डेड बॉडी सौंपने के लिए जिस तरह से विलंब किया गया था, काफी बिल्कुल, तो बहुत सारे शंकर सवाल भी उठाए। साथ ही सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है, डॉक्टर कितना इसे लेकर सुनते हैं या जो काम उन्होंने रोक रखा है उसे दोबारा अपने काम पर लौटते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी देने के लिए।